एक हरी भरी मैदान में एक छोटे से बीज का नाम सैमी था। सैमी दूसरे बीजों की तरह नहीं था, उसका एक बड़ा सपना था। जबकि अन्य बीज छोटे पौधों में बदलकर खुश थे, सैमी जीवन के सबसे ऊंचे, सबसे शानदार पेड़ बनने की इच्छा रखता था पूरे जंगल में। एक धूपयान सुबह जब सैमी मिट्टी में समा हुआ था, वह हवा में अपने सपने को सुनाने लगा। मैं आकाश को छूना चाहता हूँ और नीचे के सभी जीवों को छाया प्रदान करना चाहता हूँ, वह निश्चय पूर्वक कहता था। दूसरे बीज हंस पड़े, सोचते कि उसका सपना असंभव है, लेकिन सैमी हिम्मत नहीं हारा। हर दिन वह अपनी जड़ों को गहराई में बढ़ाता और अपने पत्तों को सूरज की ओर ऊंचा उठाता। वह पानी, पोषण और सूरज की किरणों को अपनी पूरी शक्ति से अवशोषित करता था। मौसम बदलते रहे, सैमी का सामना चुनौतियों से होता रहा। बवंडर ने उसे कांपा और सूखा उसकी दृढ़ता की परीक्षा लेता रहा, लेकिन सैमी हार नहीं मानी। उसने अपने सपने को याद रखा और हर मुश्किल को अपने बढ़ने की शक्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया। वर्षों बाद सैमी की दाढ़ी मोटी हो गई, उसकी शाखाएं चौड़ी हो गईं और उसकी पत्तियां हवा में सरसराती थीं। एक दिन एक छोटा सा पक्षी उसकी मजबूत शाखाओं पर बैठा एक मधुर ध्वनि में गाना गाता हुआ। तब सैमी को यह अनुभव हुआ कि उसका सपना सच हो रहा है। वह जंगल के जीवों के लिए एक घर और आश्रय प्रदान कर रहा था, जैसा कि उसने हमेशा चाहा था। एक सुबह सूरज की किरणों के साथ सैमी की पत्तियां हवा में हिल रही थीं और उसने सफलता की भावना महसूस की। वह जंगल में किसी भी पेड़ से ऊंचा बढ़ गया था, लेकिन उसे यह जानकर कि उसकी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है। आत्मविनय के साथ सैमी ने आगे भी छाया, ऑक्सीजन और उनके सभी के लिए एक आवास प्रदान किया जिनकी आवश्यकता थी। सैमी की दृढ़ता और खुद पर यकीन ने जंगल के जीवों को एक मूल्यवान सीख सिखाई। उन्होंने सीखा कि धैर्य, मेहनत और सकारात्मक दिशा निर्देश के साथ छोटे से बीज भी सबसे अद्वितीय सपनों को पूरा कर सकता है। और इसी तरह उस मैदान में सैमी की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो सबको याद दिलाती है कि आत्मविश्वास और मेहनत के बिना कोई भी सपना बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप खुद पर विश्वास करें और उसे सच करने के लिए मेहनत करने को तैयार हों।